हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर ईगल नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों की कुछ डाउट्स भी हैं ईगल नेटवर्क ऐप को लेके, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो में जरूर से बने रहेगा। इन्फॉर्मेशन अगर सही लगे तो लाइक भी गाइस जरूर से कर देना। सबसे पहले तो मैं आपकी सबसे बड़ी डाउट, जो कि मुझे ट्विटर पर भी डीएम करके काफी लोगों ने पूछी है, कि जो कि इगोन यूएसडीटी पेयर जो कि कॉइन स्टोर पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, जहां पर इसकी प्राइस जो है $0.22 के आसपास ट्रेड भी हो रही है, और आने वाले टाइम पर काफी जल्दी हमें वो और बड़े एक्सचेंजेस पर भी नजर आ सकता है, जैसा कि उन्होंने ट्वीट करके भी बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम कॉइन माइन करते हैं गाइस, वो है इगोन इनू, और ये है इगोन कॉइन, जो कि इनकी ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन होने वाला है इनके वॉलेट वगैरह का। तो इगोन इनू और इगोन के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि इगोन इनू जो है वो काइंड ऑफ मीम कॉइन हम उसको ट्रीट कर सकते हैं अभी के टाइम पर, उसका सप्लाई का भी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी सप्लाई काफी ज्यादा रहने वाली है। इसकी सप्लाई मिलियंस में है, उसकी सप्लाई हो सकता है बिलियंस में या ट्रिलियंस में वो रखें, तो उसका जो प्राइस है वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात जो है अभी के टाइम पर, जैसा कि आप देख सकते हो इनका रोड मैप व्हाइट पेपर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर आप बात, कई लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं ले पा रहे। जैसे आप ऐप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रिडीम वाला आपको टैब नजर आता है टॉप में ही, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वो रिडीम वाला आपको सारा चीज़ें वहाँ पर नजर आती। गाइज, इनका फेज वन रिडीम वाला जो चल रहा था वो भी बल्क माइनर्स के लिए था, अभी भी फेज टू चल रहा है जो भी बल्क माइनर्स के लिए। अब देखिए, बल्क माइनर और माइनर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है गाइज, कि जो जिन्होंने खरीदे हैं कॉइन, सिंपली जिन्होंने इनका प्रीमियम प्लान लिया था, कुछ टोकन जो है वो पैसे से खरीदे थे, जैसा कि 6000 आपको इगोन इनू कॉइन जो है वो मिल जाते हैं $1 के बदले में, तो उस तरह का इनका प्लान है। जिन्होंने वो प्लान लिया है तो वो अभी के टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर लॉजिक वाली है, अगर आपने पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर ही प्लान को खरीदा है तो वो अभी अपडेट नहीं हुआ होगा आपका, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि ये फेस खत्म होगा उसी के बाद में वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। तो अभी के टाइम पर अगर आप प्रीमियम लेते भी हैं तब भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी जल्दी जो फ्री वाले हैं, यानी कि जो माइनर हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है, और मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर पैसा दें, लेकिन आप माइनिंग तो कंटिन्यूसली करते रहें, वैल्यू चाहे आपको कितनी भी मिले। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर कम मिलेगी या कितनी मिलेगी, तो गाइस इन चीज़ों का क्वेश्चन करने के बजाय हमें सिर्फ माइन करते रहना है, बिकॉज वैल्यू तो कितनी भी मिल सकती है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आइस अवाइव की भी अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को उनसे अच्छी खासी वैल्यू मिली है, कुछ लोग बोल रहे कि हम लेट ज्वाइन किया था हमने तो हमको तो काफ़ी कम वैल्यू मिली है। ये सारी चीज़ें तो हमेशा से रहेंगी गाइस, लेकिन आपको जब फ्री में माइन करने का मौका मिल रहा है, बाकी ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी नज़र आता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप माइन तो कंटिन्यूसली करते रहें। अब जो इसका फेज़ आने वाला है, जो कि फ्री वाले लोगों के लिए भी होगा, जैसे यानी कि जो माइनर्स है वो भी विड्रॉ कर पाएंगे क्रिप्टो कारा वॉलेट के अंदर जो वहाँ पर, तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा, और जैसे वो अनाउंसमेंट आएगी वो भी आपको पता चली जाएगी, लेकिन फिलहाल वो चीज़ नहीं हो रही है। तो जो लोग हमें उससे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि ईगल का जो विड्रॉ है हम वो कैसे ले सकते हैं, तो वो सिर्फ बल्क माइनर्स के लिए, और उसका वेरिफिकेशन भी आपको कैसे करने को मिलेगा, जैसे आप रिडीम वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको अपना जो सब्सक्रिप्शन प्लान का ईमेल आईडी अगर वो वहाँ पर पेंडिंग नज़र आता है गाइस, तो डेफिनेटली आपका प्लान जो है वो अभी तक सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो अभी आप भी विड्रॉ नहीं ले सकते हो। लेकिन जिन्होंने पहले, यानी कि 1-2-3 महीने पहले लिया था या उससे पहले लिया था इनका प्रीमियम प्लान, तो डेफिनेटली वो विड्रॉ अभी कर पा रहे हैं। लेकिन विड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा गाइज, अभी के टाइम पर वहाँ पर आप जस्ट उसको विड्रॉ करके स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगी, लेकिन उसके अनाउंसमेंट में अभी भी टाइम है। अगर हम इसके रोड मैप वगैरह को देखते हैं तो अभी भी उसमें थोड़ा बहुत टाइम है, बिकॉज ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं अपने खुद के यूटिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो इनका खुद का नेटिव टोकन है जो कि है इगोन टोकन, इगोन कॉइन, जो कि लिस्ट भी हो चुका है, तो ये उसी पर ही काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है ये माइनिंग को बंद भी कर दें, क्योंकि इन्होंने अपने एक फेज टू के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई है फेज़ वन के अंदर, अगर आप देखोगे लास्ट में तो एंड ऑफ माइनिंग ऑफ इगोन टोकन, लेकिन अभी तक भी ये चालू है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि क्रिप्टो वॉलेट डेक्स लॉन्च ये तो हो ही चुका है, लेकिन ये एंड ऑफ माइनिंग ऑफ इगोन टोकन, तो माइनिंग अभी भी हो रही है गाइस, अब ये किसी भी टाइम बंद हो सकती है। जैसे ही ये चीज़ न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली उसके बाद में हमें इगोन इनू, जो इनू कॉइन है जो कि क्रिप्टो कारा से, उसके बारे में ऑलरेडी आप वीडियोस काफ़ी देख सकते हो, काफ़ी अलग अलग लोगों ने बनाई हुई हैं, हमने भी बनाई हुई हैं, तो वो तो आपको पता चली जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी ये दो अपडेट्स जो थी गाइस, जैसा कि कॉइन स्टोर पर इसकी लिस्टिंग, तो वो इनू टोकन की नहीं हुई है जो हम माइन करते हैं, ये इगोन कॉइन की हुई है। साथ ही साथ बल्क माइनर का अभी ये टाइम चल रहा है, उनका ही विड्रॉ पॉसिबल हो पा रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो पा रहा है। अगर आप प्रीमियम प्लान लेना भी चाहते हैं गाइस, तो मैं आपको पहले बता दूं उसका कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, सिर्फ आपको ये हो जाएगा कि 6000 कॉइन ही मिलेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं $1 उसके लिए पे करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हो UPI वगैरह से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अभी भी आप उसको ले लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको विड्रॉ कर पाएं ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसको अपडेट होने में भी टाइम लगता है। इसके अलावा गाइज अवाइव का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, उसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो आउट हो चुकी, हो सकता है आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो नजर आए, या फिर चैनल में आप देख लीजिएगा गाइज, जाके एक्सप्लोर करके
थोड़ा बहुत अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगी अवाई वाली वीडियो, तो इसके रिलेटेड भी एक बड़ी अपडेट है, तो उसको भी आप देखना मिस आउट मत करना। बाकी माइनिंग एप्स का जो है खजाना हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उनको माइन करना आप आज से शुरू कर दीजिए गाइस। बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।